कम गाइस, जो कि 2021 कोरोना काल के तहत जो कि हमारे गांव में मवेशियों जो कि उनका टीकाकरण भी लग रहे हैं, और डॉक्टर साहब लोग भी आए हुए हैं यहां पर, देख सकते हैं। तो पूरा मैं फुटेज में बताऊंगा, पूरा डिटेल एक एक लोग से पूरा जानकारी ले लेता हूं कि क्या क्या दवा लग रहा है, क्या कैसे बीमारी अभी लग रहा है, तो उसके लिए क्या सुरक्षा है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, उन्हीं को जुबानी है, पूरा जानिएगा आप। ये टीकाकरण लग रहा है, किस अंदाज से लगाते हैं देखिए, खतरनाक स्थिति लग गया सर। जोखिम लेके कर रहे हैं सब काम। जी जी जी, तो आप भी लगाते हैं मैडम? मैडम को देखे एक तो मैडम किस अंदाज पे लगाते हैं, हाथ का किस तरीके? बहुत बढ़िया, देखा दिन धीरे, आराम से आराम से आराम से। मोबाइल तरफ, मोबाइल साइड में, मोबाइल में देखा था। धीरे से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मार्बल थे वह हो बेटा, भजवा दे जरूर। हां हां, तो मालिक हाथ आता है थोड़ा सा, ओके एती का नहीं आए हो कह दिया। इधर सुना सुना सुना, ए रसी ले इधर, मार दे दे। हां हां ले लिए हो। हां परमा जी, हां 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 हां, बस बहुत ही दक्षता और कौशल से लगाते हैं। और ये छोटा सा एक ठो बचा हुआ है, ये खांसे है। हाँ खांसे तो ओके, खांसे या कोई खांस भी है, खांसी तो है तो ले के ना वाला कहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। ग्राम पंचायत सिरकोतंगा में आज समस्त गांव में टीकाकरण लग रहा है पशुओं को, है ना? जी, तो डॉक्टर साहब सभी पहुंचे हुए हैं, सदस्य हैं सब, इधर आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी इसका अभियान चलाया जा रहा है शासन के तरफ, जी जी जी, तो बताइए इसके बारे में डिटेल सर, कि क्या क्या लग रहा है अभी टीकाकरण में, कौन कौन सा दवा लगा रहा है? अभी मवेशियों में चल रहा है बीमारी अभी का वैक्सीनेशन जी, इसमें खासकर लंगड़ी बीमारी जो हो रहा है जी, उसमें पैर को बिल्कुल नुकसान कर देता है ये, जानवर बिल्कुल किसानी के लिए असक्षम में हो जाएगा। जी जी, गलघोटू बीमारी होता है, इतना बढ़ता है कि 24 घंटे में इसका जान चला जाता है जी। इसका ही टीका ये सिरकोतंगा पूरा पंचायत में, वो बुटरा पंचायत, सिरकोतंगा पंचायत, रजपुरी पंचायत, ये सब में लगने का है जी। पहले तो गोठान गांव में होने का ये स्कीम है, तो 95% वहाँ हो चुका है बुटरा पे जी। उसके बाद सिरकोतंगा लागू किया गया है, एक सिरे से मेन रोड पे ये टीका लगते हुए पूरा दल जी लखनपुर टीम से आए हुए हैं जी जी, जो टीका अभी गाँव में लग रहा है जी जी। इससे जानवरों का बचाव बिल्कुल संभव है जी जी, बीमारी आगे बरसात में ये होने की क्षमता नहीं रहता है जी जी। तो वही है, अभी टीकाकरण पूरा गांव में लगेगा पूरा 100% जी जी, जो जानवर अच्छा रहे और बचाव होता रहे। एक चीज़ हमेशा आता है डॉक्टर साहब कि गांव के लोग मवेशी पालते हैं और उनका एक आर्थिक रूप से एक आधार है कह सकते हैं जी, लेकिन किस तरीके का पशुओं को कैसे क्या ध्यान रखें, खाना पीना ये सब कैसे ध्यान रखना चाहिए, आपसे बेहतर शायद नहीं जानेंगे, तो ये थोड़ा सा उनको सुझाव देना चाहेंगे कि अभी मवेशियों को क्या क्या चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे सुरक्षित रहे उनका मवेशी। जानवरों को बरसात के पहले संक्रामक बीमारी होता है जी, जिससे टीका लगना अनिवार्य है जी। इसके साथ साथ खान पान का ध्यान रखना होगा पशुपालकों को जी, पशुपालकों को चाहिए जानवरों को मिनरल की आवश्यकता होता है जी, जो गाँव में देहात में किसान लोग नहीं दे पाते। मिनरल के साथ साथ प्रोटीन्स की मात्रा, इसमें मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, सब ये चीज़ रहता है जी, जो जानवरों को परिपक्व एवं मजबूत बनाता है जी। और गर्भवती जानवरों में प्रेग्नेंट की क्षमता को बढ़ाता है जी, और बच्चों का ग्रोथ इसमें आता है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये मिनरल मिलने से बहुत फायदेमंद है जानवरों के लिए जी। आजकल देहात में इसका विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जानवर कमज़ोर हो जाता है, गाय गर्भवती नहीं होती है, भैंस की मात्रा दूध कम हो जाता है। तो किसानों को, पशुपालकों को चाहिए कि अपने जानवर को सही समय में टीका लगवाएं, साथ में मिनरल की आवश्यकता करवाएं, वैक्सीनेशन होता रहे, जानवर सही रहेगा, सही काम के लिए उचित रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके जो स्टाफ आए हुए हैं उनसे भी थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, इधर मैं जानकारी लेना चाहूँगा। मेरा नाम है प्यारी है, मैं सलका से हूँ जी जी। तो हॉस्पिटल में हम लोग ट्रेनिंग में हैं हम लोग, ये लखनपुर यस सर शासकीय हॉस्पिटल में आप लोग, और जैसे
बहुत अच्छा सेवा आप लोग दे रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि सरगुजा संभाग की जितना भी दायित्व और जिम्मेदारी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शासन की तरफ, तो पूरा जिम्मेदारी के साथ आप लोग बहुत ही कर्मठ अंदाज से मतलब मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हैं सर, है ना, क्या नाम है सर आपका, नाम शुभ नाम? सचिन तिर्की सर। जी जी, मैं गौ सेवक के रूप में काम करता हूँ और घूम घूम के टीका लगा। जी जी जी, तो पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना। चलिए ठीक है, और इधर मैं जानकार बैजनाथ पैकरा। जी जी, जो डॉक्टर साहब के साथ सहयोग कर रहे हैं टीकाकरण में। जी जी, तो कितना दिन में मतलब टारगेट है इसको पूरा करने का? ये जून में होना है, पूरा पूरा होना है। और इसमें आपका परिचय बताइए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गानी प्रताप सिंह है, मैं कोटिया से हूँ। जी जी, यही हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं। जी जी, सेवा दे रहे हैं। जी जी जी, तो अभी लगाएंगे माय डियर फ्रेंड, आप पूरा फुटेज पर रहिएगा किस तरीके से इनका लगाने का लगाते हैं, और बहुत लोग प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है। मेरे वीडियो को अंतिम तक रहिएगा, तभी आप उसका जानकारी, और जो भी पशुपालन है, मैं बता दूं कि जो किसी भी तरीके का बीमारी है, चाहे कुछ भी चीज़, तो डॉक्टर साहब का मेरा यूट्यूब में नंबर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, तो पूरा संपर्क करके उनसे भी सुझाव ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में। ये कौन सा है, ये क्या काम करता है? लंगड़ी बीमारी या टंगिया बीमारी का है। चलिए ठीक है, देख